हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। गॉसिप टाउन देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ कृतिका। सुंबुल तौकीर खान और फहमान खान के बीच में चल रहा है झगड़ा, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। मैं आप लोगों को ये भी बता चुकी हूँ कि सुंबुल के पापा की वजह से फहमान और सुंबुल के रिश्ते में दरार आई है। दोनों की गहरी पुरानी दोस्ती टूट गई है। यहाँ तक कि सुंबुल को फहमान ने कई बार मनाने की कोशिश की पर सुंबुल मानने के लिए तैयार नहीं है। पर क्या आपको पता है गाइस कि आखिरकार फहमान ने वो ऐसी कौन सी हरकत की थी जो कि सुंबुल के पापा को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने सुंबुल को फहमान से दोस्ती तोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ आखिर वो क्या वजह है, क्या राज है, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो चलिए गाइस बिना देरी किए, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल गॉसिप टाउन को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। चलिए बैक टू द मुद्दा आते हैं और आपको बता देते हैं कि फहमान खान और सुंबुल सीरियल इमली से एक दूसरे को जानते हैं। दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। इसके बाद इन दोनों ने एक म्यूजिक वीडियो में भी काम किया। बिग बॉस सीजन 16 से पहले का ये वीडियो है और इस वीडियो का जो एक ना बिहाइंड द सीन एक वाला एक वीडियो था जिसमें सुंबुल और फहमान एक दूसरे के काफ़ी क्लोज नजर आ रहे थे। दोनों एक दूसरे के साथ लेटे दिखाई दे रहे थे और ये वीडियो जब सुंबुल के पापा ने देखा तो वो खासा नाराज़ हो गए। उन्होंने काफ़ी आपत्ति जताई और अपनी बेटी सुंबुल को कहा कि तुम फहमान के साथ काम नहीं करोगी। तब से लेकर अब तक है कि सुंबुल फहमान से सीधे मुंह बात नहीं करती, ना उसे फ़ोन करती है, ना उससे मैसेज पे बात करती है। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो फहमान से बात नहीं करती हैं और ना ही कोई रिश्ता रखना चाहती है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है, इनफैक्ट जो फहमान है उन्होंने एक इंटरव्यू दिया सुंबुल संग अपनी लड़ाई पर, काफ़ी चीज़ों को लेकर बात की है, खुलासे किए हैं और खुलासों में उन्होंने कहा है कि उन्होंने सुंबुल के पापा को सॉरी तक कहा, सुंबुल के पापा से माफ़ी भी मांगी लेकिन उन्होंने उन्हें माफ़ नहीं किया। सुंबुल को कई मैसेजेस किए, सुंबुल के पापा को, सुंबुल की बहन को मैसेजेस किए पर कोई भी जवाब नहीं आया। फहमान ने कह दिया है कि वो पूरी कोशिशें कर चुके हैं पर सामने वाले की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो वो अब कुछ नहीं कर सकते। यानी कि अब आपको समझ आ गया होगा कि वो एक वीडियो ही बना है इन दोनों के दोस्ती में विलन। कैसा लगा वीडियो गाइस जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही।